और प्रदीप मिश्रा से यही मैं कहना चाहता हूं कि दोबारा आप कथा व्यास हैं, एक मंच पे रहते हैं, दोबारा इस प्रकार राधा रानी पे बयान मत देना। अगर ऐसा बयान दोगे तो हम साधु संत सहन नहीं कर सकते। यहाँ चर्चा हो रही है प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा की, जिन्होंने हाल फिलहाल में राधा रानी पर विवादित बयान दिया था। लेकिन अब प्रदीप मिश्रा ने खुद बरसाना पहुंचकर राधा रानी के चरणों में दंडवत होकर माफी मांगी है। बता दें कि प्रदीप मिश्रा के राधा रानी को लेकर दिए विवादित बयान पर काफी हंगामा मचा हुआ था। इसको लेकर ब्रज के संत ब्रजवासियों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा था। हाल ही में नाराज साधु संतों और गोस्वामी समाज ने पंचायत भी की थी। इस दौरान प्रदीप मिश्रा को बरसाना आकर राधा रानी मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांगने की मांग की गई थी। माना जा रहा है कि प्रदीप मिश्रा की माफी के साथ ही ये पूरा विवाद अब खत्म हो गया है। फिलहाल प्रदीप मिश्रा की माफी मांगते हुए वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। आपको बता दें कि प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर कहा था कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने बरसाना को राधा रानी का गांव नहीं बताया था। उनका कहना था कि राधा रानी का विवाह छाता निवासी अनय घोष के साथ हुआ था। उनके इसी बयान को लेकर काफी विवाद हुआ। ब्रज के प्रमुख संत प्रेमानंद महाराज ने तो प्रदीप मिश्रा को अज्ञानी तक करार दे दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रदीप मिश्रा को राधा रानी के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ब्रज के साधु संत लगातार कथावाचक प्रदीप मिश्रा का विरोध कर रहे थे और सड़कों पर उतर आए थे। यहाँ तक कि कृष्ण भक्तों में भी कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बयान को लेकर काफी गुस्सा था। आपको बता दें कि साधु संतों ने चेतावनी दी थी कि अगर कथावाचक प्रदीप मिश्रा राधा रानी पर की गई टिप्पणी के बारे में माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मगर अब प्रदीप मिश्रा ने अपने बयान पर माफी मांग ली है और माना जा रहा है कि ये विवाद थम जाएगा। वहीं अयोध्या के साधु संत भी कहते नजर आए, प्रदीप मिश्रा जी को राधा रानी ने सद्बुद्धि दिया क्योंकि राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा हैं, इसीलिए दासी का राधा जी दासी भी मानी जाती हैं और भक्ति भी स्वरूप है राधा जी। तो राधा जी को जिस प्रकार ब्रज की नगरी श्री बरसाना और वृंदावन धाम में जिस प्रकार उन्होंने बयान दिया तो इसको लेकर के साधु संत और ब्रज के बहुत आक्रोश में थे और धरने पे बैठ गए थे। तो आज हमको भी यह विश्वास हो गया कि राधा रानी की इतनी शक्ति है कि राधा रानी ने प्रदीप मिश्रा के बुद्धि को और उनके स्वभाव को एकदम अलग तरीके से कर दिए और वहाँ जा कर के उन्होंने राधा रानी के सामने प्रणाम किए और नतमस्तक हुए। तो ये सद्बुद्धि आ गया प्रदीप मिश्रा। मैं प्रदीप मिश्रा से यही मैं कहना चाहता हूँ कि दोबारा आप कथा व्यास हैं, एक मंच पे रहते हैं, दोबारा इस प्रकार राधा रानी पे बयान मत देना। अगर ऐसा बयान दोगे तो हम साधु संत सहन नहीं कर सकते। आप हिंदू धर्म के हैं, इस प्रकार बयानबाजी नहीं करना चाहिए और आपको सद्बुद्धि मिल गया है, ये बहुत बड़ी कृपा है। बहुत अच्छा लगा, ये प्रदीप मिश्रा का अहंकार टूट गया। और देखिए राधा रानी हमारी ये आलादिनी शक्ति है। आदि शक्ति जे ही जग उपजाया और सोय अवतर ही मोरी यह माया। राधा जी हमारी आलादिनी शक्ति हैं और राधा जी के ऊपर अगर प्रदीप मिश्रा ने टिप्पणी किया है तो जाकर के क्षमा मांग लिया है। मेरी माँ है, उनका हृदय ममता भरी हुई है, मेरी माँ ने क्षमा कर दिया और संतों ने क्षमा कर दिया, हम सब क्षमा करते हैं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती के लिए उन्होंने क्षमा मांगा है तो उनको साधुवाद है, धन्यवाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी का।